टाइम ट्रैवल एक्सप्रेस के एक और ब्लॉग में आपका स्वागत है। और इस वक्त मैं खड़ा हूँ वडोदरा जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। यहाँ पे आप कैसे आ सकते हैं, कहाँ से आप आ सकते हैं, कहाँ से आप ट्रेन लेके किस स्टेट से आप आ सकते हैं, कहाँ से ट्रेन अवेलेबल है कि नहीं, और यहाँ पे रुकने का क्या इंतज़ाम है। अगर आप आगे यहाँ से कहीं जा रहे हैं कोई 12 घंटे या 4 घंटे गैप पे आपकी ट्रेन है, या नेक्स्ट डे ट्रेन आप पहले आ गए हैं, तो आप कैसे यहाँ पे स्टे कर सकते हैं, स्टे करने के क्या चार्जेस हैं, खाने पीने का क्या इंतज़ाम है, वो सब इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं और चलते हैं बाहर वडोदरा के स्टेशन के, और वडोदरा जंक्शन स्टेशन बाहर से पूरी वीडियो को फिर से शुरू करते हैं। अभी मैं आ गया हूँ वडोदरा जंक्शन रेलवे स्टेशन के बाहर। पूरा रेलवे स्टेशन आप पीछे देख सकते हो, अभी बैक कैमरे से आपको दिखाने वाला हूँ। फोटो वगैरह आप यहाँ पे खींच सकते हो, बहुत बढ़िया फोटोज आएंगी। और पार्किंग वगैरह भी यहाँ पे है, और यहीं पे पास में है वडोदरा सेंट्रल का बस स्टेशन, जहाँ से आप एकता नगर या और भी दूसरी जगह जाने के लिए बस ले सकते हो। अभी मैं जाऊँगा थोड़ी देर में वडोदरा सेंट्रल बस स्टेशन, वहाँ से पता करेंगे एकता नगर केवड़िया के लिए बस कितने बजे से कितने के गैप पे चलती है, क्या उसका टाइम स्लॉट है, क्या फेयर वगैरह है। वैसे तो हमारी टिकट जो है कल की है, तो हम तो ट्रेन से जाने वाले हैं, बट आप लोग के लिए भी ये इन्फॉर्मेशन देना ज़रूरी है, क्योंकि अभी बहुत सारे लोग जो हैं ये चीज़ नहीं जानते हैं कि केवड़िया कैसे जाया जाए। लोग या तो ट्रेन से जाते हैं या तो बाई टैक्सी बुक करके जाते हैं, बट इस वीडियो में आपको पूरी ए टू जेड सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अब अगर वडोदरा से एक तरह का केवड़िया जाना चाहते हैं तो आप कैसे जाएं, और बैक कैमरे से पूरा आपको वडोदरा स्टेशन बाहर से और स्टेशन के बाहर पार्किंग की क्या फैसिलिटीज़ है, खाने पीने का यहाँ पे कौन कौन से रेस्टोरेंट आउटलेट है, वो सब मैं आपको दिखाने वा रहा हूँ। तो आप देख लो, ये है वडोदरा का रेलवे स्टेशन, वेस्टर्न रेलवे। तो यहाँ पे आप फोटोज़ वगैरह भी आप खींच सकते हो। अब देखो यहाँ पे पार्किंग की फैसिलिटीज़ ऐसे है, यहाँ पे ऑटो लेन अलग से बनाई गई है, ताकि जो टैक्सी लेन है वहाँ पे ऑटो ना जाए। प्रीमियम कार पार्किंग यहाँ आपको दिख जाएगा, एक आपको सामने थ्रू लेन दिख जाएगी, और गवर्नमेंट और स्पेशल व्हीकल्स की एंट्री जो है ये सामने वाली है। हर एक अलग व्हीकल की यहाँ पे लेन बना दी गई, टैक्सी लेन आप सामने देख रहे हो, और सामने जा रही है GSRTC की वोल्वो AC। अब ये जा रही है यहाँ से वडोदरा सेंट्रल बस स्टेशन जो है सामने फ्लाईओवर के पास, वो भी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे एंट्री एग्ज़िट के बाहर जो है, अगर आप बर्गर वगैरह खाना चाहते हैं तो आपको सामने मिल जाएगा बर्गर किंग, और अगर आप लोकल फूड खाना चाहते हैं तो यहाँ पे स्टॉल्स ठेले वगैरह वाले भी हैं, तो इनसे भी आप ले सकते हैं। या फिर सामने है इस्कॉन जन महल, यहाँ पे रेस्टोरेंट है सामने गायत्री भवन, इसमें भी वेज खाना आप खा सकते हैं, और रूम वगैरह भी इसमें आप बुक कर सकते हैं, होटल टाइप है। और स्टेशन के सामने ही AC डॉर्मेटरी भी आपको अवेलेबल है, होटल का नाम है होटल साई कृपा, और नीचे है इसके बर्गर किंग का आउटलेट। और बट हमने जो बुक किया है वो किया है अपने डॉर्मेटरी स्टेशन के अंदर। अब मेरे को ये चीज़ नहीं पता था कि AC डॉर्मेटरी जो है स्टेशन के बाहर साई कृपा में यहाँ पे मिल जाएगा। वैसे तो मैं ऑनलाइन देख रहा था, बट साई कृपा भी ऑनलाइन दिखा रहा था अवेलेबल, लेकिन मुझे लगा कि शायद स्टेशन से काफ़ी दूर हो तो सेफ़ नहीं रहेगा, इस वजह से मैंने जो है इसमें स्टेशन पर बुक किया। वैसे आप साई कृपा में भी बुक कर सकते हैं। इसका मैंने ऑनलाइन प्राइस किया था कुछ 330 रुपीज़ इसका डॉर्मेटरी का आ रहा था, और 750 रुपीज़ इसका नॉर्मल AC का रूम का चार्ज आ रहा था। अभी मैं जा रहा हूँ वहाँ पर स्टेशन के अंदर, क्योंकि आपको पूरा स्टेशन का ब्लॉग दिखाना है। ये वाली ब्लॉग है पूरा वडोदरा जंक्शन रेलवे स्टेशन का, जो सेंट्रल बस स्टेशन है उसका ब्लॉग जो है मैं अभी बाद में अलग बनाने वाला हूँ। तो उसके लिए मैं अभी बस स्टेशन अलग से जाऊँगा। पैदल यहाँ से हार्डली 100 से 200 मीटर पर वॉकिंग है, तो अंदर चलते हैं स्टेशन पर। आप देख रहे हो मैं हूँ इस वक्त वडोदरा जंक्शन रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 1, और अभी हमारे सामने ये प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे वडोदरा वलसाड़ एक्सप्रेस, और टोटल प्लेटफॉर्म है यहाँ पर 5 टोटल प्लेटफॉर्म है यहाँ पर, और ये पूरा प्लेटफॉर्म नंबर 1। अभी आगे चल के और आपको मैं पूरा प्लेटफॉर्म डिटेल में
पता नहीं खाने पीने का जो भी स्टॉल्स वगैरह हैं, और IRCTC का जो फूड ट्रैक वाला लॉन्च है, और वेटिंग हॉल डॉर्मेट्री सब आगे से हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आपको मिल जाएगा पे एंड यूज, टॉयलेट भी मिल जाएगा, पे कीजिए यूज कीजिए। यहाँ स्टेशन पे चाहे तो पानी की बोतल भी आप ले सकते हैं, रेल नीर वाली जो 15-20 रुपए की आती है, और नहीं तो ठंडा पानी लेना चाहें तो वो भी आप अपनी बोतल में आप भर सकते हैं। मैं तो यहीं से अपने लिए पानी भर लिया है। बोतल हर आपको हर एक प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगी, रेल नीर की 15 रुपए की बोतल। और यहाँ स्टेशन पे आपको सामने देखने को मिल जाएगा लिनन रूम, जो नॉर्मली स्टेशन पे हमें देखने को नहीं मिलता है। मेनली जो एसी कोचेस में जो बेडिंग्स लाइनिंग वगैरह होती है ना, वो यहीं पे लाके उसको वॉश वगैरह किया जाता है, उसको स्टोर रख किया जाता है। चलिए आगे चल के और भी स्टेशन पे और भी चीज़ आपको दिखा देता हूँ। सामने देख रहे हो आप स्टेशन से बाहर जाने का रास्ता है। अच्छा, एक बात और कि अगर आप वडोदरा आ रहे हैं और अगर आप घूमना भी चाहते हैं तो स्टेशन के बाहर से ही आप ऑटो वगैरह बुक कर सकते हैं, या बाहर से ही जो गुजरात टूरिज्म की, गुजरात स्टेट ट्रांसपोर्ट की जो बसें हैं वो भी आप ले सकते हैं। उनमें भी जाके आप जो है यहाँ का लोकल जो भी थोड़ा बहुत घूमने की प्लेसेस हैं वो आप कवर कर सकते हैं। वडोदरा स्टेशन पे आपको कंप्लेंट बुक्स भी अवेलेबल लिखा है, शिकायत पुस्तिका उपलब्ध है, कंप्लेंट बुक इज़ अवेलेबल। वैसे तो मैंने मैक्सिमम स्टेशन पे नहीं देखा ऐसे लिखा हुआ, बट ये आज मैं पहली बार किसी स्टेशन पे लिखा हुआ देख रहा हूँ कि आप कंप्लेंट बुक भी आप ले सकते हैं। अगर आपको रेलवे की किसी सर्विस से कंप्लेंट है, किसी के खिलाफ कंप्लेंट करनी किसी स्टाफ के रिगार्डिंग, तो भी आप कर सकते हैं। और यहाँ पे सामने एस्केलेटर ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे जाने के लिए, और रिटायरिंग रूम वगैरह डॉर्मेटरी जो है वो आपको सेकंड फ्लोर पे मिल जाएगी। कोई पार्सल कोरियर करना चाहे तो रेलवे मेल सर्विस भी अवेलेबल है, आप अपना कोरियर भी पार्सल कर सकते हैं। अभी आ गए हम प्लेटफॉर्म के बिल्कुल सेंटर वाली साइड पे, और यहाँ पे आप देख लो सामने IRCTC का जन आहार केंद्र, यहाँ पे आप खाना वगैरह आप खा सकते हो, जो भी आपको चाहिए फास्ट फूड वगैरह वो भी आपको यहाँ, चाइनीज आइटम वगैरह वो भी आपको यहाँ मिल जाएगा। और सामने आप बोर्ड लगा देख रहे हो, फ्री वाईफाई भी है यहाँ पे रेलवायर का, वो भी आप यहाँ पे वडोदरा स्टेशन पे फ्री वाईफाई आप यूज़ कर सकते हो। मल्टीपर्पज़ स्टॉल वगैरह है, खाने पीने का आइटम ले सकते हैं आप, कोई मेडिसिन वगैरह लेनी है वो भी मल्टीपर्पज़ स्टॉल से ले सकते हैं। सामने चाय वगैरह, कॉफ़ी वगैरह, कोल्ड ड्रिंक, चिप्स, ये भी आप सामने यहाँ से ले सकते हैं। कोई भी दवाई वगैरह कुछ भी चाहिए, स्प्रे वगैरह, वो आप सामने यहाँ से कोई भी ले सकते हैं, पेन स्प्रे वगैरह। आइए थोड़ा आगे चल के दिखाता हूँ। और ये आप देख रहे हो सामने एग्जिट, सामने स्टेशन से बाहर निकलने की, और यहाँ पे आप हर एक प्लेटफॉर्म को आप देख सकते हो। किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाके आपको साफ सफाई जो है प्रॉपर मिलेगी, कहीं भी आपको प्लेटफॉर्म पे कहीं भी गंदगी का एक ज़रा सा खतरा नज़र नहीं आएगा कि एक ज़रा सा कुछ थोड़ा बहुत कागज़ पड़ा हो या पेपर पड़ा हो या पॉली बैग या कुछ गुटखा वगैरह के रैपर पे हो, आपको कुछ भी नज़र नहीं आएगा। बिल्कुल एकदम साफ सुथरा स्टेशन आपको वडोदरा का मिल जाएगा देखने के लिए। ये देखो पूरा स्टेशन पूरा नीट एंड क्लीन, हर जगह जो है डस्टबिन वगैरह प्रॉपर रखे गए हैं, ताकि आप कोई भी चिप्स वगैरह खा रहे हैं या कोई भी आप फूड एंड बेवरेज कुछ भी खा रहे हैं वो आप सीधे डस्टबिन में डालें। और आप देख रहे हो यहाँ पे बोर्ड लगा है जहाँ हमें कल जाना है, स्टैचू ऑफ यूनिटी, वडोदरा से डिस्टेंस है 90.3 किलोमीटर का एट केवड़िया। इसका जो रेलवे स्टेशन है वो है एकता नगर। यहाँ भी आप देख सकते हो खाने पीने का सैंडविच वगैरह, बर्गर वगैरह आप ले सकते हो। गुजरात की जो फेमस मूंगफली है वो भी आप यहाँ से आप ले सकते हो। साफ सफाई देखो आप, बिल्कुल प्रॉपर एकदम, कहीं भी आपको बिल्कुल गंदगी नज़र नहीं आएगी। एक एग्जिट आपको यहाँ बाहर मिल जाएगी। अब टोटल यहाँ जो वडोदरा के रेलवे स्टेशन पर टोटल जो एग्जिट हैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 से, ये आपको 3 एग्जिट मिलेंगी। एक आप सामने देख रहे हो ये, एक पीछे, और एक उस प्लेटफॉर्म पे लास्ट में वहाँ पर है क्लॉक रूम के पास में। और आप देख सकते हो ये है सामने वेटिंग रूम्स, ये लेडीज़ का है, और इधर जनरल वेटिंग रूम मिल जाएगा स्लीपर क्लास का, और इधर सामने आपको मिल जाएगा AC पैसेंजर्स का वेटिंग रूम। मतलब आप अगर किसी ट्रेन में आपने AC कोच में रिजर्वेशन किया है तो आप AC वेटिंग हॉल में रुक सकते हैं, नहीं तो नॉर्मल अगर स्लीपर क्लास में किया तो आप जनरल स्लीपर क्लास वेटिंग हॉल में भी आप रुक सकते हो। और जैसे मैं बता रहा था यहाँ पे साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा गया, तो देख लो अगर आप जरा सा भी कहीं पे
जो है अनक्लीननेस करते हो या कहीं भी आपने जरा सी गंदगी करी, आपको 500 रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। तो अगर वडोदरा आ रहे हो तो इस बात का खास ख्याल रखना कि आप वो गंदगी बिल्कुल नहीं करनी है, और गंदगी करी तो 500 का जुर्माना आपको मिल जाएगा। प्रॉपर यहाँ पे जो है स्टाफ यहाँ पे प्रॉपर ड्यूटी पे लगा रहता है देखने के लिए आप कोई गंदगी वगैरह तो नहीं फैला रहे हो। और देख लो फ्री वाईफाई हर जगह आपको बोर्ड लगा हुआ मिल जाएगा। हमारा जो डॉर्मेट्री का बुकिंग टाइम है वो है 2 बजे का मैंने बुक किया है, तो अभी तो टाइम है, थोड़ा बहुत बाहर चल के वडोदरा देख लेते हैं, खाने पीने का देख लेते हैं यहाँ पे क्या इंतजाम है, बाहर क्या क्या खाने को हमें मिल जाएगा। और बस स्टेशन भी आपको दिखाना है अभी चल के दूसरा एक पूरा ब्लॉग बना के, तो वो भी मैं पता करता हूँ। और ये है क्लॉक रूम, क्लॉक रूम जो है यहाँ पे सर्विस अवेलेबल है 24 घंटे की, आप इसमें सामान जो है अपना 12 घंटे का भी बुक कर सकते हो, और 15 मिनट 10 मिनट जितना टाइम चाहे उतना बुक कर लो, लेकिन प्राइस फिक्स है 20 रुपये। ये आप देख सकते हो यहाँ पे जो क्लॉक रूम है इसके चार्जेस वगैरह यहाँ पे लिखे हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग आप अपना सामान रख सकते हो। लॉकर अलग से लेते हो तो आपको 30 रुपये पड़ेगा, और वैसे क्लॉक रूम के चार्ज 20 रुपीज़ फिक्स हैं। हमने भी अपना एक सूट केस रख दिया है, मैं अभी आपको स्लिप दिखा देता हूँ कि क्लॉक रूम की स्लिप किस टाइप से मिलती है। ये आप देख सकते हो इस टाइप से क्लॉक रूम की स्लिप मिलती है, देखो आप मेरे को दी गई 20 रुपये, मैंने एडवांस पेमेंट किया है इसका, तो इस टाइप से आपको क्लॉक रूम की स्लिप मिल जाएगी। क्लॉक रूम ऑफिस के साथ में आपको यहाँ पे वेटिंग एरिया भी मिल जाएगा, तो यहाँ पे आप जो है अपनी ट्रेन के लिए बैठ के वेट कर सकते हैं। और यहाँ पे बुकिंग ऑफिस भी है जहाँ से आप जनरल टिकट वगैरह ले सकते हैं, रिजर्वेशन आप करा सकते हैं। ये आप देख सकते हो ये है यहाँ का बुकिंग ऑफिस जहाँ से आप अनरिजर्व टिकट भी ले सकते हैं और रिजर्वेशन भी आप करा सकते हैं। वैसे तो यहाँ पे मेरे को ऐसा कुछ दिख नहीं है कि आप रिजर्वेशन टिकट भी ले सकते हैं, यहाँ पे मेनली जो है ये सारा अनरिजर्व टिकट का काउंटर है, आप यहाँ से ले सकते हो। मैंने अभी अपना केवड़िया के टिकट का पता किया है, मुझे इन्होंने बताया 60 से 70 रुपीज़ का टिकट है, और अगर UTS से लेते तो 45, वो नॉर्मल ट्रेन का टिकट लगेगा, लेकिन 45 मेरा क्योंकि एक्सप्रेस सुपरफास्ट का है तो वो मेरे को 60 या 70 रुपीज़ का यहाँ से पड़ने वाला है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया वडोदरा स्टेशन के बारे में कि यहाँ पे आप गंदगी वगैरह कुछ नहीं कर सकते, यहाँ पे प्रॉपर स्टाफ जो है ड्यूटी पे रहता है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे सामने रेलवे सुरक्षा बल वडोदरा इनका ड्यूटी ऑफिस है यहाँ पे, तो आप इस चीज़ का ख्याल रखें कि आप देख लो आप सामने प्लेटफॉर्म पे आपको कहीं कोई गंदगी नज़र नहीं आएगी, तो इस बात का खास ध्यान रखना कि वडोदरा आ रहे हो तो गंदगी वगैरह बिल्कुल नहीं करनी है, और साफ सफाई का ध्यान रखना है ताकि आप सेफ रहें, दूसरे भी सेफ रहें और सब सेफ रहें। तो ये है वडोदरा प्लेटफॉर्म का लास्ट तरफ का, सामने वाली आप ट्रेन देख रहे हो, सामने का ट्रैक ये वाला, इस जगह से आती हैं ट्रेनें, इधर दिल्ली साइड से आती हैं, और इधर आप इधर चेन्नई वगैरह मुंबई वगैरह सब इस तरफ जाती है। तो ये हो गया पूरा रेलवे स्टेशन का वडोदरा जंक्शन का ब्लॉग, तो वीडियो कैसी लगी आप मुझे जरूर बताइएगा। वडोदरा जंक्शन का पूरा ब्लॉग कैसा लगा, क्या इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको दी वो बिल्कुल सफिशिएंट है आपके लिए, क्या सारी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सही दी है कि नहीं जरूर बताइएगा कमेंट करके, और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और अभी एक बार मैं एंड से पूरा स्टेशन का वीडियो एक बार फिर से कवर कर लेता हूँ यहाँ से बिल्कुल लास्ट तक, तो वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। गंदगी का बिल्कुल नहीं करना है, साफ सफाई बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में, खास ध्यान रखिएगा। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए।
Thank you.